शरीयत अलंदरे दौरा मुखलिस फिल्ला साहबजादा आप खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार सदारत फरमा रहे हैं और आपकी मौजूदगी में मेरे साथ फाजिल जलील आलम नबील मुफ्ती अहले सुन्नत हजरत अलामा मौलाना कारी मोहम्मद दिलदार साहब, चूंकि हमारे साथ ही पड़ोस में मरकजी जामा मस्जिद बीमा के खतीब हैं और माशाल्लाह फाजिल हैं और अच्छे आलम दीन हैं। मैं आप जितने भी मेरे सुनने वाले देखने वाले देखें कि उलमाए कराम के अल्लाह के वलियों से मोहब्बत और उलमाए कराम जो अल्लाह के वलियों का एहतराम करते हैं, तो मैं एक बात की तरफ इशारा करते हुए फिर इंशाल्लाह कारी साहब इस पे अपनी भी गुफ्तगु फरमाएंगे। यही दिन था और रात थी, रात के 3 बजे का वक्त था, 2 बजे का वक्त था और जिस वक्त ये कारी साहब मेरे पास है बड़े परेशान थे और परेशानी ये नहीं थी कि हुआ क्या है, परेशानी इसकी थी कि माशाल्लाह ये उनके मेरे साथ जो खड़े हैं बेटे हैं और मुकम्मल हाफ़िज़े कुरान है और इस वक्त दरसे निजामी कर रहे हैं बहुत अच्छे इदारे के अंदर, यहाँ कलर सजदा में ये पढ़ रहे हैं और अचानक घर से गायब हो गए और कारी साहब ने कलर सजदा में थाने में अस्पताल में घबरा गए, भाई हालात ऐसे हैं ना जाने किसी अस्पताल में चले गए हो, कहीं किसी ने उठा लिया हो, कहां चला गया हो, ये जवान बेटा है, हाफ़िज़े कुरान है, आलमे दीन बन रहा है। और यकीन जानिए कि मैं आपकी जो तवज्जो दिलवाना चाहता हूं कि अल्लाह के वली की जबान से जो निकलता है अल्लाह उसे पूरी कर देता है, यकीन जानिए। कारी साहब इस पे गुफ्तगू करेंगे, खुदा गवाह है कि बादशाह सर का यहां पर आए तो चूंकि कारी साहब के साथ हमारा सुबह शाम का बैठना ताल्लुक था, मैंने कहा कारी साहब आप परेशान ना हो, कहते कारी साहब परेशान इसलिए कोई जवान बेटा है ना जाने कहां चला गया हो, तो यकीन जानिए कि यही जगह थी, ये सामने वाली ये जगह थी, बादशाह सरकार ने दम किया, दम करने के बाद जब यहां से उठे दवा की तो कारी साहब की और बादशाह सरकार की सिर्फ इतनी मुलाकात हुई है कि सरकार जी मेरा जवान बेटा है गुम हो गया नहीं मिला, तो सिपा सलारे अकीदा खत्म नबूवत साहबजादा आप खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने मुस्कुरा के कहा कि कारी साहब आप चले जाएं, सुबह बेटा आपके घर आ जाएगा। यहां तक तो मेरी बात थी, आगे मैं कारी साहब से गुजारिश करूंगा कि क्या जैसे सरकार जी ने कहा ऐसे हुआ या कुछ दिन गुजरे या कुछ घंटे गुजरे, तो मैं अलामा साहब की खिदमत में मेरे और आपके अकीदे को मजबूत करने के लिए इस पे ये गुफ्तगु फरमाएंगे कि अल्लाह के वली की जबान से जो निकलता है अल्लाह उसे पूरी फरमा देता है, तो मैं गुजारिश करूंगा अलामा साहब से कि क्या जैसे सरकार ने कहा ऐसे ही हुआ। जी जी نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه صدق الله العظيم ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا رحمه للعالمين سامعين جی احتشام अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हदीयत सलाम पेश करने के बाद मेरे नहायत ही बुजुर्गों दोस्तों और बिलखसूस क़िबला पीर हक ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार मदरजुल आलम की निगाह इनका फ़ैज़ और मैं आपके सामने चंद एक गुज़ारिशात पेश करूँगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हक कहने की तौफीक अता फरमाए। सामिन अज़ीज़ इत्तेशाम मुख्तसर वक्त में मुख्तसर सी बात होगी, जो आयत मुबारक मैंने तिलावत की इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह की बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है सुम्मस्तक़ामू और फिर उसके ऊपर डटे रहे ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका उनके ऊपर फरिश्ते नाज़िल होते हैं उतरते हैं अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू के न खौफ रखो न घबरा हो वह अब शुरू बिल जन्ना और जन्नत की खुशखबरी सुना देते हैं। तो सामिन इज़्ज़त शाम
वो लोग जिन्होंने कहा, सब ने कहा तो है लेकिन कह तो दिया, हमने भी कहा है कि हमारा रब अल्लाह है, लेकिन जो बात है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, ये जो बात है इसके ऊपर कायम रहना ये मुश्किल है और हर किसी की बस की बात नहीं। मेरे मुर्शिद पाक जिंदा पीर गंगोली रहमतुल्लाह अलैह अक्सर ये बात कहा करते हैं कि करामत कोई चीज़ नहीं, इस्तकामत बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये बड़े कुरान भी कहता है जो कायम रहे, कहने के बाद उसके ऊपर डट गए कायम रहे, फिर वो आम नहीं होते बल्कि उनके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, उन्हें खुशखबरियाँ सुनाते हैं। तो मेरे नबी के गुलाम, एक वाक्य आपकी समातों की नज़र, और उसके बाद मैं अपनी बात जो है कारी साहब ने जिक्र किया वो बात करके इजाज़त चाहूँगा कि हजरत जो इनका काम होता है, अब देखिए मैं ये इन्हीं के सामने पीसा बैठे तो बात कर रहा हूँ, मैं अक्सर कहा करता हूँ जो मुखालफत करते हैं उनकी, सुन भी कहता हूँ आम भी कहता हूँ कि मुझे इनकी एक अदा बहुत बड़ी पसंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ऐसी ही अल्लाह के वलियों से मोहब्बत अदा फरमाए, मैं एक निस्बत, मेरी भी निस्बत है तो मुझे एक बात मुझे बहुत पसंद है। क्यों, वो कैसी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि कुछ ऐसा जब बहुत बड़े लोग होते तब भी मैंने देखा है कि जब तक एक शख्स भी बाकी होता है ये पीर साहब वहां खड़े होके उससे मुलाकात करते हैं। तो ये अदा पीर साहब की मुझे बहुत पसंद है और मैं यही मैं दिल में भी कहता हूँ, लोगों को कहता हूँ, हो सकता है यही बात अल्लाह को भी पसंद हो कि उनके बंदों से इतना प्यार है कि अगर हजार बंदा है तो उस हजार बंदे को खड़े होकर मुलाकात करनी, हर किसी की दिल की बात को सुनना भी और उसके लिए दुआ भी करनी है, तो बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद पीर साहब को और इस्तकामत अता फरमाए और मजीद बरकत अता फरमाए, और आप जितने हजरात आए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम ही हजरात को पीर साहब के इस फैज से जो है वो नफा अता फरमाए। तो मेरे नबी के गुलाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका एक वाकिया आपकी समातों की नजर और वही चीज इनके पास भी है। मेरे नबी के गुलाम चलते हुए कहीं बाहर निकले तो एक शख्स हाल चला रहा था, हाल चला रहा था, उसके पास गए तो कुछ देर के बाद उसके पास खाना आ गया, तीन रोटियां थी, और तीन रोटियां जब वो खाने के लिए बैठे ना तो वहां एक कुत्ता आ गया। थोड़ी तवज्जो चाहूंगा मैं यहां कि वहां एक कुत्ता आ गया, उस शख्स ने एक रोटी उठा के कुत्ते को डाल दी और कुत्ते ने खा ली, और यहां एक कुत्ता खा के फिर वापस आ गया, उसने दूसरी भी उठाई वो भी डाल दी, उसने वो भी खा ली, अब तीसरी रोटी एक बची वो भी उठाकर कुत्ते को डाल दी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा आपका वजीफा क्या है, कहने लगे बस यही तीन रोटियां थी, ये मेरी मजदूरी थी, ये तो तीन रोटियां आई। उसने कहा आप फिर आप क्या करेंगे, उसने कहा कोई बात नहीं, ये कुत्ता बड़ी दूर से आया है, बड़ी दूर सी उम्मीद लेके आया है, इसलिए मैंने ये नहीं समझा कि ये मायूस लौट जाए, इसलिए मैंने अपना सारा खाना इसे दे दिया है। तो मेरे नबी के गुलाम अब यही चीज देखें कि अल्लाह का वली भी इस इंतजार में होता, दूर से लोग आते हैं लेकिन अपनी मसरूफियात को तर्क करके, मामलात को तर्क करके फकत उन लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। हालात कितने नासाज हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी पीर साहब अपने मामलात को छोड़कर यहाँ आते हैं, किस लिए, फकत इसलिए कि कोई दर्द का मारा आए तो कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां ना हो और मायूस लौट जाए, मायूस लौट जाए, फकत इसके लिए। तो मेरे नबी के गुलाम बात वही है कि निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी, तो इसमें कोई शक नहीं, जो अल्लाह का वली होता है ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बात जबान से निकाल देता अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है, अल्लाह उसे पूरा कर देता है। तो इसलिए मेरे नबी के गुलाम दुआ यही करें कि पीर साहब की तवज्जो रहे, कितने खुश नसीब है कि पीर साहब की जियारत भी कर रहे हैं और इनके फैज से मुस्तफीज भी हो रहे हैं। तो मेरे नबी के गुलाम बात लंबी नहीं करना चाहता क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मैं ये बात करना चाहता था कि मैं परेशान था, यहाँ हजारी साहब मेरे अच्छे तलुकात हैं और पीर साहब के पास भी मैं कई मरतबा आया हूँ, छोटा बच्चा मेरा मागूर है उससे भी मैं कई मरतबा हूँ, बड़ी शफकत फरमाई है, और ये बच्चा घर से गायब हो गया पता नहीं चला, हालात के तराजों में मैंने बड़ा परेशान था पता नहीं हालात कैसे हैं। तो यहाँ मैं गुजरते हुए हजारी साहब के पास मैं थाने में जा रहा था, चलो रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, तो अदानी साहब ने मुझे कहा आप घबराएं नहीं, अल्लाह करम फरमाएगा बस पीर साहब पहुंचने वाले हैं, तो आप ऐसा करें थाने से होके वापस आए। मैं थाने में चला गया, जो मामला थे वापस आया तो अल्हम्दुलिल्लाह यहां मुलाकात पीर साहब से हुई,
परेशानी तो उसी जहर है, एक बच्चा घर से गायब हो जाए तो बड़ी परेशानी होती है, ये बच्चे वाले जानते हैं जिनकी औलाद है। तो और फिर उसके बाद कुदरती बात है, मेरे और बच्चे भी हैं लेकिन ये मुझे प्यारा भी बड़ा है। जब मैं से पहली मरतबा दर्श में छोड़कर आया था ना, 15 दिन मेरा बुखार ही नहीं उतरा। तो घर वाले हंसते थे, भाई क्या बात है। मैंने कहा बस मोहब्बत ही इतनी थी कि 10वें छोड़ के खुद आए पढ़ने के लिए, और 15 दिन तक मैं बुखार में रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो जो तमन्ना थी वो पूरी हुई, अल्लाह ने करम फरमाया, मेरे मुर्शिद की निगाह थी और अल्लाह के बलियों की निगाह थी कि मेरे बच्चे ने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। पिछले साल रमजान में मुकम्मल सुनाया, इस दफा क्योंकि हालात नहीं थे। तो बरकस बात करना चाहता हूँ, यहाँ आया पी साहब ने मामला पूछे क्या बात है, मैंने कहा हुजूर ये बात है। तो तस्वीर मैंने पी साहब को दिखाई और पी साहब ने वाकईतन यही अल्फाज कहे थे कि आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह सुबह आपका बेटा आपके घर आ जाएगा। तो मैं सुबह उठा, घर वाले कहने लगे भाई उठे कहीं जाए, मैंने कहा मैं कहां जाऊं, मैं हालात कहां जाऊं, अब सब चीजें देख ली है। बाकी मैं घर से निकला, 8 बजे का वक्त था, मेरा बेटा अपने घर पहुंच चुका था सुबह 8 बजे का। तो उसके बाद में पीर साहब के राय मुलाकात की, मैंने कहा बस बेटे को मैं लेके आऊंगा, अब मैं ये गुजारिश जरूर करूंगा कि ये जिद्दी बहुत है, अब पीर साहब की आगे बात है जो मेहरबानी करना ताकि ये जिसकी जिद है ये छोड़ दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह तालिबो मतलूब का मिलना मिलाना और है, तालिबो मतलूब का मिलना मिलाना और है, हजरते जिब्रील का यूं आना जाना और है, हजरते जिब्रील का यूं आना जाना और है, काबा या रब्बुल आलमीन जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं या अल्लाह सब की आस उम्मीद को अपनी बारगाह के अंदर से पूरा फरमा, सरकार जी का साया आलम इस्लाम के मुसलमानों पे कायम और दायम फरमा, इस दरवाजे से या अल्लाह हर आने वाले को शफा भी अता फरमा, खैरात अता फरमा, बीमार है तो शफा नसीब फरमा, बेकार है तो घर नसीब फरमा, बे औलाद है तो औलाद नसीब फरमा, अल्लाह बीमार है तो उसे शफा कुल्ली नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।